चलिए आम का सीजन जाते जाते एक बार और कच्ची कैरी का पना बनाते हैं। इस बार आम का पना मैं दूसरे मेथड से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने गैस पर इडली कुकर रखा, उसमें पानी डाला और चार आम को अच्छे से साफ करके धो करके इसमें रख दिया। आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी बॉयल कर सकते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से कच्ची कैरी पक गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फट गई है। अब हमें इसे ठंडा करना है और इस तरीके से इसे गूदे निकाल लेने हैं। अब इसे क्या करना है, मिक्सी जार में बहुत बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद 2 चम्मच भर के भुना पिसा जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच काला नमक डाल दिया है छोटा चम्मच, 1 चम्मच सादा नमक ऐड किया, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डाल दिया है। लास्ट में मैंने खूब सारा भर भर के पुदीना का पत्ता डाल दिया और इसे हल्का सा पीस लिया है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा ही चर करना है जैसे मैंने किया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक बर्तन रखा, उसमें 2 कटोरी चीनी डाली और उसमें पानी डाल दिया 1 से 1.5 कटोरी। अब इसे हमें हल्का सा बॉईल करना है। चीनी पानी को मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल किया है। हल्की सी चिपचिपी हो गई है, इसका दाग नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। फ्रेंड्स इस तरीके से हम आम का पन्ना बनाएंगे तो करीब 3 से 4 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इडली कुकर में ही इसे बॉईल किया जिससे कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा। अब इसी टाइम पे मैंने जो आम पीस करके रखा था इसमें मिक्स किया और 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे बॉईल किया। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और करना है, हमें इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मिक्स कर लेना है जिससे कि इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने और बॉईल किया और फ्लेम को बंद किया। अब हमें इसे करीब 5 मिनट तक ठंडा करना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसे किस तरीके से सर्व करना है। और एक कांच की बाटल में इसे भर कर फ्रिज में करीब 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा टेस्टी कच्चे आम का पना बिल्कुल रेडी है। अब पना बनने के बाद इसे पिया ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास में जीरा और हल्की सी मिर्च का पाउडर लगाया, उसके बाद 2 से 3 चम्मच पना इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें ठंडा पानी डाल देना है और 3 से 4 क्यूब बर्फ के डाल देने हैं। उसके बाद लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया जिससे कि इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो गया। थोड़ा सा नींबू लगाकर डेकोरेट किया, बस हमारा ठंडा ठंडा चिल्ड आम का पना रेडी है। तो लीजिए ठंडा ठंडा आम का पना, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।